आज हम ये देखने वाले हैं कि टेली प्राइम में जनरल वाउचर का यूज़ कौन सी एंट्री करने में होता है और एडजस्टमेंट एंट्री क्या क्या होती है और एडजस्टमेंट के जो भी एंट्रीज होती है हम वो कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जनरल वाउचर में हम प्रॉफिट अगर हमको होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री, और अगर हमने अपने बिजनेस से कोई विड्रॉवल किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और फिक्स असेट परचेस सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे, और हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर के लिए सामान हमने बिजनेस में से निकाला है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आज हम ओवरऑल ये देखने वाले हैं कि F7 जो होता है टेली प्राइम में यानी कि जनरल वाउचर, तो उसका यूज़ हमको कैसे करना होता है और कौन कौन सी एंट्री उसमें होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले ताकि अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेली प्राइम का कोर्स नहीं किया है तो आप यहाँ से टेली कोर्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप पूरा का पूरा फ्री में टेली प्राइम सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री होती है। तो बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री होती है, यानी कि हम सबको ये तो पता ही होता है कि रिसिप्ट वाउचर में, पेमेंट वाउचर में और परचेस सेल्स वाउचर में हम कौन सी एंट्री करनी होती है, लेकिन ये हमको नहीं मालूम होता है कि हम जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री करेंगे। और अगर हम किसी से पूछते हैं कि अगर जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री होती है तो सब यही कहते हैं कि जो एंट्री किसी वाउचर में नहीं होती है वो सारी की सारी एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। तो अब अभी हम ये देखते हैं कि जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री होती है। तो जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्री होती है यानी कि हमको कुछ एडजस्ट करना है तो उसकी एंट्री होगी, और जनरल वाउचर में ओपनिंग की और क्लोजिंग की भी एंट्रीज होती है, और फिक्स असेट अगर हम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री होती है। तो फिक्स असेट पे हमने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, तो वो आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं कि फिक्स असेट की हम परचेस और सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। और हमने ये भी बताया हुआ है कि उस फिक्स असेट की एंट्री क्यों F7 में होती है और क्यों परचेस या सेल वाउचर में नहीं होती है। तो जनरल वाउचर में चेक का डिसओनर हो जाता है तो उसकी भी एंट्री होती है, और अगर हमने कोई सामान परचेस किया है जो हमारा बिजनेस रिलेटेड नहीं है यानी कि बिजनेस हम जिस चीज़ का करते हैं उसका अलग सामान है तो उसकी एंट्री भी हम जनरल वाउचर में करते हैं, और पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम पैसा निकालते हैं या तो विड्रॉवल करते हैं गुड्स का तो उसकी एंट्री भी हम F7 में यानी कि जनरल वाउचर में करते हैं। तो वही चीज़ है कि जिसकी एंट्री हम किसी और वाउचर में नहीं कर सकते हैं उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। और जनरल वाउचर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जनरल वाउचर में कभी कैश की या बैंक की एंट्री नहीं आती है, यानी कि डेबिट या क्रेडिट में कैश या बैंक कभी नहीं होता है क्योंकि ये हमारे ट्रांसफ़र की और एडजस्टमेंट की ही एंट्री होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम एक असाइनमेंट देख लेते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज लिखी हुई है कि हमको जनरल वाउचर में ये वाले हम एंट्रीज कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमको ओम इलेक्ट्रिक से 1000 रुपीज़ का बोनस मिला है, यानी कि हम अपने बिजनेस के लिए जब भी परचेस करते हैं ओम इलेक्ट्रॉनिक्स से तो उसने हमको 1000 का बोनस दिया है, यानी आप डिस्काउंट भी इसको समझ सकते हैं। और दूसरी एंट्री हम ये देखने वाले हैं कि हमने फिक्स असेट परचेस किया है, तो फिक्स असेट परचेस की एंट्री तो मैंने आगे वाली वीडियो में दिखा दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये वाली एंट्री देखेंगे कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉल किए हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, और 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया है कैपिटल अकाउंट में, यानी कि हमारे पर्सनल अकाउंट में हमने 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ का ओम इलेक्ट्रॉनिक्स से वो जो बोनस मिला है यानी कि डिस्काउंट मिला है उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले
यहाँ पर हमको ओम इलेक्ट्रॉनिक से सबसे पहले परचेस करना होगा, तब हम जाके उसकी डिस्काउंट की एंट्री कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर F9 में आ जाते हैं और हम यहाँ पर एक इनवॉइस क्रिएट कर देते हैं परचेस का ओम इलेक्ट्रॉनिक करके। तो हम यहाँ पर ओम इलेक्ट्रॉनिक से परचेस करते हैं, माइक समझ लीजिए कि हम ओम इलेक्ट्रॉनिक से परचेस करते हैं 10 क्वांटिटी में, जिसका रेट हमारा 500 रुपये है, यानी कि हमारा 5000 रुपये का माइक का वैल्यू हुआ और GST लगा के हमारा 5900 का बिल हुआ है। यानी कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओम इलेक्ट्रॉनिक अभी हमारा बैलेंस ज़ीरो है, लेकिन अभी हमने 5900 रुपये का सामान लिया है, यानी कि हमारा देनदारी बढ़ जाती है 5900 रुपये की। तो हम इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देते हैं। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे कि हमको 1000 रुपीज़ का बोनस मिला है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हम यहाँ पर F7 कर देते हैं और यहाँ पर आप डेट चेंज करके आपकी जो भी डेट है वो डेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि वो आपकी इनकम हो गई, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट हम पार्टी को करेंगे, क्योंकि हमको उस पार्टी से डिस्काउंट मिला है। तो हम यहाँ पर ओम इलेक्ट्रॉनिक रखेंगे। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ड्यू दिखा रहा है 5900 रुपये का, तो हमको 1000 रुपीज़ का मिला है यहाँ पर डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पर 1000 जैसे एंटर करूँगी तो ये ओम इलेक्ट्रॉनिक का जो करंट बैलेंस है वो 4900 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर एक डिस्काउंट का लेज़र बना देती हूँ, उसको मैं इनडायरेक्ट इनकम में रखूँगी, क्योंकि ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। और हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में मैं आपको करंट लायबिलिटीज़ में ओम इलेक्ट्रॉनिक का दिखा देती हूँ लेज़र। 5900 रुपये का हमारा परचेस था और हमको 1000 का डिस्काउंट मिला है, यानी कि हमको सिर्फ 4900 रुपये ओम इलेक्ट्रॉनिक को देने होंगे। तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट इनकम मिली है, तो ये डिस्काउंट की एंट्री 1000 रुपीज़ की आ गई है। तो ऐसे ही आप बोनस अगर आपको मिलता है या तो डिस्काउंट मिलता है तो उसकी एंट्री आप ऐसे एडजस्टमेंट वाउचर में कर सकते हैं, जिसमें ना ही आपको कैश से पैसा मिलता है ना ही आपको बैंक से पैसा मिलता है, बस आपकी देनदारी यहाँ पर कम हो रही है। तो हम इस तरीके से एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, जिससे हमारा जो भी टोटल ड्यू था वो कम हो गया है। तो अगर आपको ड्यू बढ़ाना हो तो आप इसकी उल्टी एंट्री कर सकते हैं, यानी कि मैंने डिस्काउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया था, तो आपको डिस्काउंट अगर आप किसी को देते हैं तो उसको आपको डेबिट करना है, ताकि आप किसी पर्सन को डिस्काउंट देते हैं तो उसकी देनदारी फिर कम करने के लिए आपको उस तरीके से एंट्री करनी होगी। तो अब हम ये एंट्री देखते हैं कि फर्नीचर परचेस किया है हमने नेहा ट्रेडर्स से, तो वो वाली एंट्री तो हमने आगे फिक्स असेट वाले वीडियो में देख लिया था और पूरा का पूरा समझा लिया था। तो आप इस तरीके से उसकी एंट्री कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि गुड्स विड्रोवल फॉर पर्सनल यूज ₹600, मतलब ₹600 का हमने गुड्स का विड्रोवल किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाउचर में आ जाते हैं और बाय में हमारा आएगा ड्रॉइंग अकाउंट, यानी कि हमने जो पर्सनल यूज़ के लिए हम अगर पैसा निकालते हैं या तो गुड्स निकालते हैं तो वो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट हो गया, और उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। कैपिटल अकाउंट में हम इसको इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने जो भी बिजनेस में कैपिटल लगाया था तो उसमें से थोड़ा हिस्सा हम अपने लिए ले रहे हैं, भले ही वो क्यों ना परचेज की, यानी कि वो हमारा सामान ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं ₹600 ड्रॉइंग अकाउंट बनाया है वो करूँगी। डेबिट में मैं ड्रॉइंग अकाउंट लिखूंगी और क्रेडिट में मैं यहाँ पर परचेस अकाउंट करूंगी, क्योंकि हमारा जो सामान है, जो भी हम सामान लेते हैं तो उसकी परचेस एंट्री करते हैं, तो हमारा जो सामान पड़ा है वो यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर परचेस को माइक एक विड्रॉवल कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पर एक परचेस गुड्स परचेस की एंट्री जैसे उल्टी हम कर देते हैं, यानी कि हम जब कोई सामान परचेस करते हैं तो उसमें हम डेबिट में परचेस लिखते हैं और क्रेडिट में पार्टी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी आइटम था वो परचेस वाले लेजर में सारा था, तो हम यहाँ पर परचेस को क्रेडिट करेंगे, यानी कि गुड्स ऑफ परचेस में हमारा यहाँ पर आइटम पड़ा है इसलिए। तो यहाँ पर
अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी आइटम यहाँ पर विड्रॉवल करते हो तो आपको इस तरीके से उसकी एंट्री करनी है। तो हम इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। तो इसकी इफेक्ट देखने के लिए आप सबसे पहले बैलेंस शीट में आके कैपिटल अकाउंट में देख सकते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट में, कि 600 रुपये आपने यहाँ पर परचेस पर्सनल यूज के लिए निकाला है। और साथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी आके परचेस अकाउंट की एंट्री देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉइंग में 600 रुपये आ गया है, यानी कि परचेस वाला भी जो हमारा अमाउंट था वो भी कम हो गया है। तो अगर आप गुड्स विड्रॉवल करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। अब हम देखेंगे कि 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो मेरा यहाँ पर 984,688 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ से 10,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगी। यानी आपको प्रॉफिट निकाल रखे हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट को क्रेडिट करना होगा, तभी आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है लेज़र वो लिख देना है और सिलेक्ट करके यहाँ पर 10,000 कर देना है। तब देख सकते हैं कि 984,000 हमारा बैलेंस अभी है। तो मैं जैसे एंटर करती हूँ 974,688 रुपीज़ है और मैं 2 में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कर लूँगी। यानी कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, या तो आप प्रोपराइटर का जो भी नाम है उसका नाम लिख के कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो आपका होगा ही, यहाँ पर मेरी कंपनी में नहीं था, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है तो वो मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट 10,000 का ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में किया है, यानी कि मेरा प्रॉफिट इतना कम हो गया और मेरा कैपिटल इतना बढ़ गया। तो हम अगर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा इस तरीके से एंट्री होगा। तो ऐसे ही करके आपकी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी। और आगे आपको अगर दूसरी जनरल वाउचर में एंट्री देखनी है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ में फिक्स असेट वाला वीडियो आप हमारा ज़रूर से देखें, उधर हमने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है बाकी सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।